नमस्कार। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और हमारे साथ आज है सूरत की डॉक्टर तेजल भट्ट, जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है और साथ में SRL लिमिटेड लेबोरेटरी में जोनल हेड है। तो तेजल जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डी खुसार भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको विश्व महिला दिन की शुभकामनाएं जी। थैंक यू वेरी मच। और आगे चलते हैं, हम बात करेंगे डॉक्टर तेजल भट्ट से। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है, साथ में समाज सेवा भी करती है, लेकिन डॉक्टर और समाज सेवा इन दोनों में जो डिफरेंट है वो हम आज उन्हीं से ही जानेंगे कि क्यों उनको समाज सेवा करने का, मतलब कि समाज के लिए कुछ करने के लिए कैसे आप वहाँ तक गए और किस तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और किस तरह की लोगों के लिए काम कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले तेजल जी, आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आप डॉक्टर जिस तरह से, मतलब पैथोलॉजिस्ट हैं आप, तो कब आपको, मतलब आपके परिवार से किस तरह से ये आपको बोला गया कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, कि आप खुद मतलब इस फील्ड में गई है? बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो पहले ही दिन पापा ने बोल दिया था कि डॉक्टर बनना है तो खुद स्टडी करो, अपने आप से पढ़ाई करो, हम अपने एंड से सारी मदद करेंगे, बट बाकी की सारी जो भी मेहनत होती है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो डे वन से मैंने ये ठान ली थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की, MD पैथोलॉजी में एडमिशन लिया, सूरत में से ही पढ़ाई की है। और जब भी पैथोलॉजी का मेरा जो स्टडी ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा एक मेरे डॉक्टर केयूर भट्ट से मेरी शादी हुई। ही इज़ ऑल्सो गैस्ट्रो सर्जन, डॉक्टर है, सर्जन है सीड्स हॉस्पिटल में। एंड आई हैव टू किड्स, आंशी एंड वेदांत, बोथ आर लाइक 7 years वेदांत एंड 12 years आंशी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपको और धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि पापा ने आपको बोल दिया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, स्टडी करना है, तो खुद मेहनत करके बनिए, तो ये बहुत मतलब ऐसी बात है कि एक चैलेंज की बात भी हो जाती है कि नहीं, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं कुछ भी करके भी डॉक्टर बनूंगी। तो जो आपका स्पिरिट था उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और आगे बात करते हैं कि डॉक्टर है, लेकिन जो स्पेशल बात है कि वो समाज के लिए कुछ कर रही है, यानी कि जिस तरह से लड़कियों के लिए जो कार्य करती है, यंगस्टर्स के लिए जो कार्य करती है, वो बहुत ही सराहनीय है। और उनमें उनके काफ़ी लेख भी पेपर में आते हैं। एक तो बैड टच एंड गुड टच का जो डिफरेंस है, उसके लिए वो काफ़ी स्कूल्स में मार्गदर्शन कार्यक्रम दे रही है। साथ में मासिक धर्म की जो मान्यता है उसमें भी काफ़ी कार्यक्रम वो कई सारे स्कूलों में उन्होंने दिए हैं, ताकि यंग लड़कियों को इसका नॉलेज हो और किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से वो ऐसे मासिक की शुरुआत होती है, उसके बाद लड़कियों को, काफ़ी लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि ये क्या है। तो इस तरह का जो मार्गदर्शन है वो इनके द्वारा दिया जाता है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी आपको कि जिस तरह से आपको ये विचार कैसे आया कि आपको लड़कियों के लिए कुछ करना है, कुछ समाज सेवा करनी है और ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम आपको करने हैं, तो वो विचार आपको कैसे आया? बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि भगवान ने मुझे एक इतनी अच्छी बेटी दी है जी। बहुत ही समझदार बेटी है, पर फिर भी वो जब टीनेज एज में आई तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका आंसर उसको कहीं और से नहीं मिल रहा था। जैसे कि ये पीरियड्स के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकती, किसी टीचर से भी नहीं पूछ सकती थी। तो उसने मुझे ऐसे 3-4 सवाल पूछे रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म होता है। तो मैंने उसको बैठ के बहुत अच्छे से समझाया कि
इसके पीछे साइंस क्या होता है, क्यों लड़कियों को पीरियड्स आता है और क्यों ये खराब चीज़ नहीं है, ये क्यों अपने बॉडी के लिए एक अच्छी चीज़ है, ये साइंस क्या है इसके पीछे। तो मैंने जब उसको सिखाया तब मुझे ध्यान आया कि मैं तो डॉक्टर हूँ इसलिए मैं उसको समझा पाती हूँ, पर कई सारी ऐसी मदर्स होंगी, कई सारी ऐसी मम्मियाँ होंगी जिनको ये खुद को भी नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या गैर मान्यताएं हैं जो सालों से चली आ रही है जी फैमिलीज़ में। जी तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो मैसेज मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ वो देश की सारी बेटियों को भी ये मैसेज मिला जाए। जी तो बहुत सारी स्कूल ने मुझे सामने से अप्रोच किया और स्कूल में मैं जाके जितनी भी टीनेज गर्ल्स होती हैं लड़कियाँ उनका ये लेक्चर लेती हूँ जिसमें साइंस बिहाइंड द पीरियड मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। जी बहुत सारी लड़कियों को ये नहीं पता होता कि जब कोई गलत तरीके से टच करता है तो उसके लिए हमें बोलना चाहिए, वी हैव टू ऑब्जेक्ट देम, हमें उनको उनका सामना करना चाहिए ना कि चुप रहना चाहिए। जी तो ये डिफरेंस लड़कियों को पता ही नहीं होता कि ये गुड टच है ये बैड टच है। जी तो एक बार ये उनको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ सही है, कौन हमें टच करेगा वो सही है, कौन हमें टच करता है वो गलत है। मैं बहुत एग्जांपल के साथ उनको सिखाती हूँ कि जी स्कूल में जैसे आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा स्कोर किया तो सर आपको वाह वाह करेंगे तो वो गुड टच है। अपने घर में दादा दादी के साथ आप बैठ के कुछ कहानियाँ सुनते हो वो गुड टच है। पर अगर जैसे आप ऑटो रिक्शा में बैठे हो, किसी ने बाजू में बैठ के आपको टच किया तो वो बैड टच है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, जिसके पीछे कोई अच्छी उनका अच्छा इरादा नहीं होता तो वो बैड टच है। तो वो जब भी आपके साथ होता है तो आपको बोलना चाहिए, आपको घर पे आके मम्मी को बोलना चाहिए, आपको टीचर को बोलना चाहिए। तो ये डिफरेंस मैं जाके स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। जी और बहुत सारी लड़कियों ने आके मुझे बोला भी सही कि मैडम ये हमारे साथ हो चुका है पर हमने आज तक किसी को बोला नहीं है, तो अभी जाके हम मम्मी को बोलेंगे कि टीचर को बोलेंगे। देर आर मैनी सेफ सर्कल, मैं जी सबको बोलती हूँ कि जी ऑलवेज देर इज़ अ सेफ सर्कल, आपकी टीचर होते हैं, मम्मी होती है, दादी होती है, जिनको आप खुल के बोल बोल सकते हो, सकते हो तो जी वहाँ जाके आप बोलो वहाँ, तो उसका सॉल्यूशन आएगा और आएगा आपके साथ वो चीज़ वापस नहीं होगी। ये बहुत जी ज़रूरी है कि वापस वो चीज़ आपके साथ ना हो, बैड टच जी आप सामना जी सामना ना कर पाओ। जी 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 बहुत ही अच्छी आपने बात कही। और जिस तरह से आपकी ही बेटी ने आपको जब ये पूछा तब आपको ऐसा विचार आया, वो भी बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्टर होके आपको ऐसा लगा कि मुझे भी सारी जितनी भी बेटियां हैं उनको ये समझ देनी चाहिए। और आप अभी दे रही है काफ़ी सारे पेपर्स में और स्कूलों में जाके आप जिस तरह से लोगों को मार्गदर्शन दे रही है बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही अच्छी तरह से आपने आज ये एक सक्सेस वुमन ने एक मोटिवेशनल स्टोरी भी साथ में आपने ली है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये शो है विश्व महिला दिन अंतर्गत ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो जिस तरह से समाज सेवा आपने की है डॉक्टर होके, तो मैं धन्यवाद भी करती हूँ आपका। और एक मैसेज देना चाहती हूँ आपको कि एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को दीजिए, जो हमारी यंगस्टर्स लड़कियाँ हैं खास करके यंगस्टर्स बेटियाँ हैं वो, उनको ये जो आपकी दो टॉपिक थे उस पर थोड़ी सी ऐसी टिप्स दीजिए कि ताकि ये विश्व महिला दिन अंतर्गत ये शो है तो उसमें हमारी जो दिख बच्चियाँ हैं मतलब बेटियाँ हैं वो कुछ सीखे इससे, और इसको मतलब जो उनके साथ कुछ अगर गलत हो रहा है तो उनसे वो बच सके, तो ऐसी थोड़ी सी मैसेज। ऐसी एक चीज़ है जो मैं सारी लड़कियों को बोलती हूँ, ट्राई टू डू कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स बातें करो, मम्मी से बातें करो, टीचर से बातें करो। जो बच्चे बातें नहीं करते वो मन ही मन में दुखी होते रहते हैं और वो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जितना भी हो सके आप बातें करो, अपनी फ्रेंड्स बनाओ, अच्छी फ्रेंड्स की अगर आप साथ अपने फ्रेंड्स के साथ रहोगे, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करोगे तो उसका कोई हल निकलेगा।
नहीं तो वो डिप्रेशन में चले जाने का भी इसमें रहता है वो। जी तो सबसे पहले ज़रूरी होता है वो खुल के बोलना, बहुत ही ज़रूरी है। जी और दूसरी एक चीज़, बहुत सारी वुमन एम्पावरमेंट की बातें जो हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, जी तो काफ़ी सारी लड़कियाँ इससे गलत मैसेज लेती है कि यही लाइफ है, यही जो सोशल मीडिया पे दिखती है सब अच्छे अच्छे कपल जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जो लड़कियाँ की फ़ोटोज़ वो सब शेयर करते हैं। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द ओनली लाइफ, दिस इज़ नॉट ओनली हैप्पीनेस। बहुत सारे ऐसे कपल भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे खुश रहते हैं पर वो घर पे उनके बहुत सारे झगड़े होते ही है। तो ये एक फॉल्स मैसेज जो लड़कियों को मिलता है वो चीज़ गलत है। हमें ये सीखना चाहिए कि एक्चुअल हैप्पीनेस जो होती है वो अपने दिल से आती है, वो अपने फैमिली से मिलती है। जी फैमिली में हम जितना खुश रहेंगे, हम घर पे मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन इनके साथ जितना घुल मिल के रहेंगे वो अल्टीमेटली हमें हैप्पीनेस देगी, ना कि कोई बाहर से या एक्सटर्नल जो हैप्पीनेस मिलती है वो कभी भी लंबे समय तक चलती नहीं है। जी तो बातें करो, अपने फ्रेंड से बातें करो, मम्मी से बातें करो, तो ही कोई भी प्रॉब्लम होगा लाइफ में तो इसका सॉल्यूशन आएगा। जी 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 एकदम सही बात आपने जो बताई है। और आज हमारे जो दर्शक मीन्स की जो बच्चियाँ और जो वुमेन्स आज ये कार्यक्रम अगर देख रही है तो ज़रूर उनको एक अच्छा मैसेज हमने दिया है हमारे चैनल के द्वारा और डॉक्टर तेजल भट्ट के द्वारा। तो तेजल जी बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद है इन वुमेन्स डे की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ऐसे ही हम एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ के नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।